तो
मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप इस वक्त अपने अपने मनों के अंदर, अपने अपने मनों के अंदर ये निर्णय लीजिए कि आज से मैं अपनी बुराइयों से फिर I will take a U-turn in my life. And the moment you decide this, the help of the God will be with you. Immediately it will be with you. और ये परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा होता है और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये कार्य करता है, लेकिन डिसीजन हमारे मन में होना चाहिए. तो मैं सिर्फ एक पल, जैसे कहना चाहिए मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, इस वक्त हम आंखों को बंद करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि प्रभु, अपने मन में कहिए कि प्रभु मैं आज से अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो घृणा के पात्र हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके बिना कोई नहीं जानता है. मैं आज उन सब बुराइयों से फिरना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ और परमेश्वर आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ. मैं अपनी तमाम बुराइयों के लिए क्षमा मांगता हूँ, तमाम उन पापों के लिए जो मुझसे बार बार होते हैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ. लेकिन आज हृदय से निर्णय लेता हूँ कि प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी सहायता मुझे दीजिए ताकि परमेश्वर मैं आपके मार्ग पर चल सकूँ और एक एक पवित्र और एक सच्चा जीवन व्यतीत करने वाला हो सकूँ, ताकि मैं बच्चों को मेरे द्वारा बहुत सी आत्माएं जो हैं वो परमेश्वर को पहचाने, उस सच्चे मार्ग को पहचाने. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन. लेकिन इस प्रार्थना को आपको निरंतर करना है, एकांत में करना है, ताकि जो परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर जो हमारे जीवन को बदल सकता है वो अवश्य ही आपके जीवन में सहायता करेगा और आपका जीवन जो है बदल जाएगा. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब गीत गाते हैं, जैसे कि हम अभी एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम. मुक्ति का मतलब पहली बात समझिए, मुक्ति का मतलब जो है, कई लोगों का कॉन्सेप्ट जो है मुक्ति से अलग है. मुक्ति का मतलब उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो कि ईविल है, बुरी है, और हम उसमें फंसे हुए हैं और उन्हें छोड़ नहीं पा रहे. और यीशु नाम, जब हम गाना गाते हैं कि यीशु नाम जो है वो हमें मुक्ति देता है, इसका मतलब यीशु का वो मार्ग हमें मुक्ति देता है, इसको हमें गहराई. इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर के उन बातों को, परमेश्वर के उस मार्ग को ह्यूमैनिटी को, मनुष्य जाति को बताया है. यदि हम और आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जीवन स्थिर हो सकता है. मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको दुखी करे. फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे रोग आ जाते हैं, हम नहीं जानते क्यों आते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आपको बहुत सी बातें जो हैं वो पता चलेगी. तो गीत क्या करता है, हमें उत्साहित करता है, इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और कुछ खास काम नहीं करता. गीत के बाद क्या है, गीत गाने से हम इमोशनली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वी कैन टेक डिसीजन. तो ये एक तरीके से हमारे माइंड को तैयार करता है कि परमेश्वर के वचन को अडॉप्ट करने के लिए. तो इसीलिए हम ये गीत गाते हैं. आइए हम सब अपने स्थानों पे जो हैं इस गीत खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर इस गीत को गाएंगे. बहुत अच्छा गीत है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम. और इस गीत को जब गाएंगे तो अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि आज का वचन जो है आपके हृदयों में जाए और आपके हृदय में काम करे. ताली बजा के अपने स्थानों पे कर सकते हैं. गीत का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज सुरीली हो, मन से निकलना आवश्यक है. जो भी बात मन से इमोशंस के साथ निकलती है वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती. Yeshua, 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 Yeshua,
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर सात हथियार हैं और बड़े अलग तरह के हथियार हैं जिनको जो शब्द आपके जाने पहचाने, लेकिन ये लगते नहीं कि ये हथियार हैं। इन शब्दों से जैसे सत्य, धार्मिकता, मेल और आपका विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन और आखिरी चीज है प्रार्थना। आखिरी चीज साधना है प्रार्थना। ये सात हथियार हैं जो आपके जीवन को स्थिर कर सकते हैं, अर्थात शैतान को आपके जीवन में कार्य करने से रोक सकते हैं। अब इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वचन कहना क्या चाहता है, तभी आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ये वचन कह रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है। इसे कह रहा है तुम्हारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम व्यक्तियों से लड़ने लगते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भी कोई बात आती है तो हम दूसरे को सजा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में इस बात को याद रखें, जो कुछ भी होता है वो हमारा बोया हुआ है। पहली चीज, हमारे जो पीछे टाइम में जो हमारे जीवन से बुरे एक्शन हुए उन्हीं का परिणाम हमारे जीवन में आता है, वो किसी भी रूप में आता है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में दूसरों पर दोष लगाते हैं कि ये इसके कारण हुआ। पेरेंट्स कई बार माँ बाप को दोष लगाते हैं, माँ बाप कई बार पेरेंट्स को दोष लगाते हैं, हम पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को जो है दोष लगाते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिए, इस बात को समझ लीजिए, अ पर्सन विल रीप एग्जैक्टली व्हाट ही सोस। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपका ही बोया हुआ है, तब आप शांत हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अशांत रहेंगे, आप परेशान रहेंगे और सोचेंगे किसने मेरे जीवन में करा। आपके अंदर बदला लेने की भावना आ सकती है, आपके अंदर चिड़न और जलन और कपट की भावना आ सकती है। इसलिए मैं इस बात को खोलने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले सुनिश्चित हो जाइए जो कुछ भी आपके जीवन में, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कठिनाई भरा जीवन है, चाहे फैमिली कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, और भी जो है भयभीत होने वाली बातें हैं, और एक्सीडेंट, परेशानियां, दुख, तकलीफ, ये सब पूरा जो भंडार है ये आप ही का बोया हुआ है, ये आपके जीवन में फलस्वरूप आता है। अब इसीलिए हम परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है, कैसे वो हमें इन बुराइयों के, इन परेशानियों के, इन बीमारियों के और इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अधीन करता है, इसको टेक्निकली बहुत जरूरी है समझना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते समय में YouTube पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर मैंने जो है मेरी एक सीरीज चल रही है परीक्षाएं। तो शैतान हमारे जीवन के अंदर टेम्पटेशंस लेकर आता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है कि हम उनमें गिरकर बुराई करते हैं। याद रखिए, हम उनमें गिरकर बुराई करते हैं और फिर जब वो बुराई हमसे हो जाती है तो उसका उसका जो दंड है वो हमारे जीवन में आता है। शैतान का काम इतना ही है, दंड तो नेचुरल है, ये यूनिवर्सल लॉ है। प्लीज इस बात को, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। आप ये जो समझ रहे हैं कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है तो क्या इसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप है, नो, नेवर। परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर जो है और कहा था अच्छा था। बुराइयां आई शैतान के द्वारा, मनुष्य जो है अभिलाषाओं में, अपनी चाहत में फंसकर बुराइयों में पड़ा और फिर जब उसका परिणाम आता तो वो ईश्वर को दोष देता है क्योंकि वो समझता नहीं है। आज मैं इस वचन के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बात की गहराई को समझ, अगर आपने इस बात की गहराई को समझ लिया तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। पहली बात तो आप किसी को दोष नहीं देंगे, परंतु आप अपने अंदर ही झांकेंगे कि मुझसे कहां गलती हुई और उसका निवारण भी है। याद रखिएगा, सारे निवारण है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, तो शैतान क्या करता है, इसलिए शैतान ने कहा जो प्रिंसिपैलिटीज है ये इस दुनिया के अंदर ऐसी चीजों की शुरुआत करवाते हैं जिसके द्वारा हम पाप में पड़ सकते हैं। प्रोनोग्राफी, टीवी सीरियल्स, टीवी मूवीज जो हमें आकर्षित करती हैं बुराई करने के लिए। याद रखिएगा,
पहले क्या होता है, आईज आर द डोर्स टू योर माइंड, आईज आर द डोर्स टू योर माइंड, हम देखने के द्वारा चीजों को ग्रहण करते हैं, फिर हम उनसे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद यदि हमने उन्हें एक्शन में लिया है, बाइबल बताती है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न लेता है, अर्थात अभिलाषा जब गर्भवती नहीं होती है तो पाप को जन्मती है, अर्थात इसको गहराई से समझेंगे, कोई भी बुराई सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, हमारे मस्तिष्क में आती है, हम उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते ये आपकी चाहत के ऊपर होती है, और क्योंकि ये चीजें लुभावनी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, और एक के अंदर एक खिंचाव होता है, इसलिए हम उसमें गिर जाते हैं और उसे हम एक्शन में ले आते हैं, और जब जब किसी भी चीज को एक्शन में लाते हैं तो उसका एक रिएक्शन भी उसके साथ जुड़ा होता है जो बाद में आपके जीवन में आता है, फिर आप समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार जब हम कोई भी बीज बोते हैं उसका फल एकदम से नहीं आता, बीज को बढ़ने में, फलवंत होने में और ग्रो करने में टाइम लगता है, और फिर उसका टाइम आता है जब वो फ्रूटफुल होता है, दैट टेक्स टाइम, और इतने टाइम में हम अपनी उन बुराइयों को भूल जाते हैं और परिणाम को देखते हैं, भूल जाते हैं कि समय बीत जा रहा है, और परिणाम को देखकर फिर हम ये नहीं देखते कि हमने करा था, देन वी स्टार्टेड ब्लेमिंग, स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, परमेश्वर को दोष देते हैं या हम अपने परिवार को दोष देते हैं, फ्रेंड सर्कल को, या जिससे भी हम सोचते हैं कि ये चीज इसके द्वारा नहीं। याद रख लीजिएगा, कोई भी चीज आपके जीवन में जब भी घटित होती है आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया शांति जो है और आपका मन जो है वो काम हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग हाउ कैन I rid of this. मैं इससे कैसे निकल सकता? The moment this is thought comes to your mind, लेकिन ये तभी आएगा जब आप शांत होंगे। इसलिए मैं आज आपको ये वचन बता रहा हूँ। तो परमेश्वर के ये हथियार जो हैं, ये हमें शैतान की उन युक्तियों से, लिखा हुआ है स्कीम से, जो वो बनाता है मनुष्य जाति को पाप में गिराने के लिए, दंडित करने के लिए, दंड उसके पास नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्कीम्स बनाता है, वो ऐसी चीजों को, आकर्षित चीजों को क्रिएट करता है इस संसार में, उनके द्वारा जो लोग उसके उसकी बुराई में फंस चुके हैं, उन्हीं के द्वारा करता है, और ये बुराई जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, इसका आकर्षण बढ़ने लगता है और लोग इसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और परिणाम स्वरूप कुछ कुछ तो सुख आता है। लिखा है कि अदन की वाटिका में यही हुआ था, शैतान ने कोई ऐसा काम नहीं करा था, सिर्फ ये करा था कि उसने उस बुराई को, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल मत खाना, उसी को उसने खिलवा दिया चालाकी के साथ। इसलिए उसके विषय में पता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 वर्स, जॉन 8:44, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जॉन 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को, तुम अपने पिता शैतान से हो, जब हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी अभिलाषाओं को अडॉप्ट कर लेते हैं, तब की बात है, तुम अपने पिता शैतान से और उसकी अभिलाषा को क्या करते हो, पूरा करते हो। आगे, वो तो आरंभ से हत्यारा। हत्यारा का मतलब अभी समझ ले, वो हत्या नहीं करता, वो हमें लिखा, वो फल जिस दिन खाया एडम और ईव ने, उसी दिन परमेश्वर की दृष्टि में मर गए, हम परमेश्वर की दृष्टि में मर जाते हैं और पाप जो है हमारे जीवन में जो है वो हावी हो जाता है और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, इसको समझिए। फिर आगे क्या लिखा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पर वो स्थिर ना रहा, ही नोज द ट्रुथ, लेकिन वो स्थिर ना, कई बार हम लोग भी जानते हैं कि सच्चाई क्या, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के हाथों बिगड़ सत्य के मार्ग से हट जाते हैं, जैसे शैतान ने करा था, क्योंकि शैतान जो शुरुआती दौर में परमेश्वर का जो है वो बहुत ही फेवरेट जो है वो फरिश्ता था, जिसको घोर कब तारे के द्वारा भी इंडिकेट किया, लेकिन उसने अपने उस पद को, सच्चाई के पद को छोड़कर अपनी गरिमा से गिरकर बुराई को अडॉप्ट करा, और फिर वो संसार के लोगों को भी, परमेश्वर की जो सुप्रीम क्रिएशन है, जो मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स, उनको गिराने में लगा हुआ। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है,
और आगे जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से स्वभाव का बदलता है। याद रखिएगा By practice, जब आप किसी चीज में बार 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 उसको करते रहते हैं बार बार, तो शैतान बुराइयों को करते करते जो लोग बुराइयों में, तो वो उनका स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा वो स्वभाव ही से बुरा है, वरन क्या लिखा हुआ आगे, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है, मतलब ही इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट लाइज। रिमेंबर दिस, इसलिए उसको झूठ का पिता बोला गया है। वर्ष को याद रखिएगा। तो शैतान का जो है काम, वो इस ईविल का ये काम है कि परमेश्वर की इस क्रिएशन को, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता में, अपने ही स्वरूप में बनाया था। इन हिज ओन लाइकनेस ही क्रिएटेड मैन एंड वुमन। शैतान को यह चीज भाई नहीं, और उसने अपनी बुराई को जो है मनुष्य के मन में बोना शुरू कर दिया, और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बुराई ने इस संसार में जगह ज्यादा बना ली, और इस प्रकार से यहाँ पर दुख जो है और पीड़ाएं बढ़ती गई। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं अभी एक दिन जो है डिस्कवरी चैनल देख रहा था, और जब डिस्कवरी में मूवी बनाई जाती है, जो लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म जो बनाते हैं, वो खड़े रहते हैं, और एक चीता या एक जो है शेर जब किसी जानवर को पकड़ता है, मारता है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो मानते हैं क्योंकि दैट इज द सिस्टम ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहाँ एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो उनका खाना है। लेकिन ये मूवी जरूर आते हैं, बट हस्तक्षेप नहीं करते। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, ये लोग मूवी बना रहे थे, और एक चीते ने जो है एक हिरन को पकड़ रखा था, इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन वहां से ये दिखा रहे थे कि बबून्स जो आए, और बबून्स जब भागते हुए, तो चीता छोड़ के जो उस जानवर को भागा, और तो देयर इज, इन लोगों को अनुमति नहीं है कि आप वाइल्ड लाइफ में जो अपना दखल अंदाज नहीं, अपना दखल नहीं दे सकते। इसी प्रकार आप संसार के अंदर बुराई को देखते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है, बिकॉज वी आर बाउंड इन अ सिस्टम जिसमें हम जो बोते हैं वो काटते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे से प्रेम करता है। देन परमेश्वर ने देखा, उसने एक मार्ग निकाला, उस मार्ग को समझना है। और ये बातें जो हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला हथियार क्या है, सत्य का हथियार। इफ यू डोंट नो द ट्रुथ, अगर आपको सही चीज नहीं मालूम, आप कभी भी इस चीज इस जंजाल से बाहर नहीं आ सकते, नेवर, आ ही नहीं सकते। इसलिए जो सबसे पहला हथियार है सत्य का हथियार, जो शैतान को एक्सपोज करता है, उसके कार्य प्रणाली को एक्सपोज करता है। इसलिए बाइबल कहती है भजन से, सॉरी John 8:32 में, मैं इसे जल्दी खत्म करने के लिए, John 8:32 में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। By knowing the truth and by knowing the truth and truth will set you free. What does it mean? It means now, ये नहीं है कि आप सत्य जाने, नहीं, आप सत्य जब जानते हैं, then it is you who will come out of that. Please remember this. So परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस सच्चाई को प्रकट करा, अर्थात उस एनिमी को जो छुपकर काम करता है उसको एक्सपोज कर। How it works? The moment you understand this, the moment you know this, now you can destroy your enemy, that evil. The enemy is evil. Remember this. And you can only destroy him by knowing him. Because he is very smart. वो पता कैसे, किस वो उसके थ्रू पाने के different है. He can come through a movie. He can come through a serial. He can come through mythologies, culture and trends. A world system. जिस प्रकार से हम आज देखते हैं, होमोसेक्सुअलिटी इज नाउ एक्सेप्टेड इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज फ्रॉम बाइबल के अनुसार ये गलत है।
द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वो अलाउ कर रहे हैं, आज आदमी और आदमी की शादी को अलाउ कर रहे हैं. But Bible does not permit it because it is not from God. It is unnatural. But when you know this, then only you can be away from this. Otherwise, you will start adopting the new generation which is coming up. That by the time that generation will come up, these things will be rooted in our society and they will, unko kya lagega? Ye sahi hai. They will find it fun, right? तब आप कैसे निकालेंगे? That is why जब तुम सत्य को जानोगे, what is natural and what is unnatural is evil and demonic. तो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. इसी प्रकार किस प्रकार से आपके जीवन में बीमारी आती है? आप ही के द्वारा आती है. And then you blame others. नहीं, कहां से आ जाती है? कभी सोचा तुमने? क्योंकि जो बीज आपने पिछले टाइम में बोया है वो स्प्राउट होता है, वो खिलता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है. जब वो परिपक्व होता है तो हमारे शरीर के अंदर से प्रकट होकर दिखाई देने लगता है. Now you can overcome all these things. Now initially लिखा है कि कली को पहले तोड़ दो, ये कहावत है कि वो फूल बने. Now this is the first. If you have this नॉलेज, अगर आपको सत्य है तो आप उसमें पढ़ेंगे. सत्य बहुत बड़ा हथियार है शैतान के कामों को नष्ट. दूसरा है धार्मिकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. धार्मिकता जो कि 2 Corinthians 5:21 हम पढ़ेंगे, धार्मिकता मीन्स राइटियसनेस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज द वे ऑफ गॉड टू डिस्ट्रॉय ऑल इवल थिंग्स विच इज विद इन यू. The righteousness of God. Please, इसको गहराई से हम समझेंगे. पढ़ेंगे 2 Corinthians 5:21. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. उसमें होके परमेश्वर की धार्मिकता बन. Righteousness, right person. Now this is little deep, and we need to understand. No. Our nature is become a sinful nature because the devil, शैतान हमारे जीवनों में उसने जड़ें बना ली हैं और हम बहुत सी बातों को छोड़ने वाले. इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला. How can I save my people? How can I save humanity? Because जो उस जाल में फंस गए हैं, अब जब तक कोई हेल्प नहीं आएगी, एक्सटर्नल हेल्प नहीं आएगी, यू कैन नॉट गो आउट. मैंने जैसे बताया था डिस्कवरी में, जब वो बबूंस आए और बबूंस आने की वजह से चीता ने उसको छोड़ा और वो हिरन बच गया. सेम वे वी नीड अ डिवाइन हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस. अदरवाइज अब जब शैतान ने हमें पकड़ लिया है, यू कैन नॉट गो आउट. एंड धार्मिकता, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा. बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन. नाउ दिस डिवाइन हेल्प जीसस क्राइस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्या है, कई बार इसे एज अ रिलीजियस थिंग लेके उससे मुंह मोड़ लेते. शैतान आपको देखो सच्चाई जानने में रोकेगा. वो आपकी आंखों को बंद करेगा, आपके हृदय को कठोर करेगा, आपके मन में ये भी कैसे धरेंगे तो दूसरे का रिलीजन. बट रिलीजन, अगर आप रिलीजन की बेस में जाएंगे, इट इज ऑलवेज डिवाइन. अगर बेस में जाएंगे, अगर आप रिचुअल सिस्टम्स को हटा दीजिए तो रूट में जाएंगे, इट इज ऑलवेज गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प ह्यूमैनिटी. बट वो समय के साथ चीजें जो रूट चीजें हैं, जो मेन चीजें, वो दब गई और रिलीजन एक रिचुअल बन गया. दैट इज व्हाई मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था, व्हेन यू फाइंड गॉड, जब तुम तो परमेश्वर को जानोगे तभी तुम जो है अनंत जीवन पाओगे. टू नो गॉड इज सेल्वेशन. जिस दिन आपके मन में तुम नो गॉड मीन्स नो द प्लान ऑफ गॉड, नो द वेज ऑफ गॉड, द मोमेंट यू थिंक ऑफ दैट, तब परमेश्वर हमारे जीवन में. तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही कैसे आई, इसे समझना होगा. नाउ क्योंकि देयर इज अ सिस्टम कि जो बोगे वो काटोगे.
तो जो कुछ भी हम करते हैं उसका दंड हम पर आता है। परमेश्वर इस दंड से हमें कैसे बचाता है? Now God Himself cannot interfere into this. Remember, that is why He introduced His Son into this world, and He will punish His own Son for the sins of an entire human race, and He will kill Him on the cross, because पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। पाप जो डिमांड करता है, जब हम पाप जब कर देते हैं वो क्या डिमांड करता है, अर्थात दूसरे शब्दों में उसका रिजल्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डेथ। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन इज डेथ। नाउ गॉड पुट दैट डेथ ऑफ ह्यूमन रेस ऑन हिज ओनली बिगॉटन सन। Jesus died, though He was sinless, but He has taken our sins and crucified Himself. Allow Himself to die for the human race. Please, इस बात को समझिए। And now God is entitled to forgive your sins and give you another chance to walk into the right way. This is called the righteousness of God. जिसके अंतर्गत हमें आना है धार्मिकता की चिलम। नाउ द डेविल कैन नॉट बिलीव। नाउ द वी आर कम आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। प्लीज कैसे आ जाते हैं? व्हेन यू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, नाउ द फादर कैन फॉरगिव आवर सिंस एंड दस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन विल नॉट कम अपॉन अस। That is the great truth that everybody have to understand. ये बहुत ही गहरा सत्य है जिसको हर एक व्यक्ति को आज समझना होगा। It is simple, but it is deep. So the consequence is, how it will work? Now that is very important. How it will work? Now God has done His plan. Now you have to accept it. You have to walk on that. That is why Jesus' precious blood is not redeeming everyone, but those who come under that, or in other words, दूसरे शब्दों में जो उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, तो जो कोई विश्वास का मतलब एग्री होना, सहमत होना, मान लेना। If you agree with this, the way of God for the redemption of the humankind, mankind, you can be saved. If you believe, likha hai, jitnon ne us pe vishwas kiya, Parmeshwar ne unko anant jeevan dene ka adhikar diya hai. Now, anant jeevan kaise milta hai? When your sins are forgiven, there is no condemnation. That is in the book of Romans 10:1. रोमन्स की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु मसीह में है, those who accept this way, उस पर पता है क्या लिखा है? There is no condemnation, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Understand this, very very important. This is very narrow. समझना। इसलिए बाइबल कहती है, सकरा है वो मार्ग, थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं। That means sakre ka matlab hai difficult to understand, difficult to accept. That is why this mankind is perishing. Ye jo Adam jaat hai ya dukhi hai, though there is a way, but they are indulging their own evil things and they don't want to come back. If anybody doesn't want to come back, there is no way. The next thing is मेल का सुसमाचार। इसे आप घर पे पढ़िएगा, मैं इन पे जल्दी जल्दी मेल का सुसमाचार। Now this सुसमाचार, जिन लोगों ने इस बात को जान लिया है, when they go and tell others, they unite mankind with God. Remember this. तो क्या होता है? मैंने जैसे जान लिया, आज मैं इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आपको बता रहा हूं। Now, if you will agree with this, you will also come into this. This is called mail ka susamachar.
ऐसों पर अब शैतान का कोई अधिकार है, उसकी स्ट्रेटेजी फेल। अगर हम पाप में गिरते हैं, देयर इज अ वे ऑफ व्हाट, क्षमा मांगने का अधिकार। इसको परमेश्वर ने बहुत अच्छा कर दिया कि नाउ व्हेन यू ask for the forgiveness and you will take a decision to turn back from your sinful life, God is there to help you. The third thing jo hai wo mail ka susamachar. Ye mail ka susamachar parmeshwar ke rajya ko, the kingdom of truth, remember the kingdom of God means the kingdom of truth, the kingdom of love will flourish on this earth by you and me, those who have understood this. इसलिए जिन लोगों ने इन बातों को समझ लिया, go and tell other people that they will also save, वो भी बचे। Now the चौथी चीज जो है, हम चौथे पे जल्दी से आएंगे, और चौथा है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, ढाल यहां अगर आप पढ़ेंगे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को रोक सके, we can fail all the strategies of devil, shaitan ki har ek chaal, har ek scheme ko fail kar dete hain by faith. Faith means believing, believing means accepting, accepting means agree with God. The moment you are agree with the plan of God, you are under a shield, you are protected. When we deny a God, that means we are not showing our faith. हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते, हम इनकार करते हैं। प्लीज फेथ की डेफिनेशन समझ लीजिए। फेथ की डेफिनेशन टू बी एग्री विद समथिंग, एंड व्हेन यू आर एग्री विद समथिंग यू फॉलो दैट। दैट इज व्हाई वी से वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। इफ यू आर नॉट एग्री विद क्राइस्ट, यू आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज क्राइस्ट इज द वे ऑफ गॉड। Christ is the way of God. If you follow it, you will be fruitful. तो faith अगर नहीं है तो ये सारी चीजें आप इन्हें adopt ही नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, those who agree with this plan of God, they receive the eternal life. Very simple. If you understand, see how important are these tools to fight against devil. The next is उद्धार का टोप। Now the joy of salvation, joy of salvation. When you understand this टोप, that is why the टोप ये आपके सर पर चढ़कर बोलेगा, Yes, I receive the power of God, and you can see His mercies in your life, His blessings in your life. This is a later state. Before that, you have to adopt it. You have to walk accordingly, and then you will see his blessings. आपके जीवन में चंचाई आनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में जो चीज गड़बड़ हुई थी, इसको कहते हैं restoration period. You will start restoring your life by the word of God. तो उद्धार का टोप, confidence of getting eternal life. But how? First thing, to adopt this way. Before that, to know this way. And before that, then know the truth. That is where the truth, sachai jo hai, wo pehla hathiyar hai. And through this, you enter into the ways of God, and gradually you will see His power. Dhar ka tok jo hai, that shows the power of God, the promises. Aaj bahut se log कोई भी महामारी तेरे नेरे के निकट नहीं आए, वो तुझे पहेली के जाल से बचा जाता। A wonderful chapter which gives full assurance of security and prosperity. My dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सत्य को पहचानो, because आप और मैं अंतिम युग में जी रहे हैं। If you will not adopt the truth, you will suffer in the coming period of the life. Please remember this. मैं आपको नहीं जानता हूं, बहुतों को जानता हूं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बात को, I have experienced this truth in my life. That is why I am here. मैं चुप नहीं रह सकता, चाहे कोई माने ना माने,
बीते समय भी परमेश्वर के दासों ने अपने प्राणों को भी गवा दिया सत्य को प्रचार करने के लिए, लेकिन लोगों ने तब भी नहीं करा था, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण करा परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देने का वायदा करता है। नेक्स्ट विल मूव टू आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दीस टू थिंग्स, यहां से आपकी पावर शुरू होती है। वंस यू अडॉप्ट क्राइस्ट, वंस टू अडॉप्ट क्राइस्ट मींस टू अडॉप्ट द ट्रुथ, द राइट वे इज डोंट बी कंफ्यूज। So, इसलिए बाइबल कहती है, हे प्रभु कहने वाले लोगों मेरे सामने सर, दो अदर क्रिश्चियन रिलीजियस पीपल दे आर कॉलिंग जीसस जीसस ऑल द टाइम, दे विल नॉट रिसीव दिस पावर बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे एंड यू हैव टू वॉक ऑन दैट, देन कम्स द पावर ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड विच इज वेरी वेरी पावरफुल। आई विल एक कोट करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर पढ़े। James, Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12 is giving, I'm giving you a reference. Please listen carefully what it, क्या लिखा पड़ी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल, स्ट्रॉन्ग, लाइव, लिविंग, इट वर्क्स एंड इट इज स्ट्रॉन्ग, प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जो तलवारें दोधारी दो तरफ से जो पैनी होती है, धार होती है, उनसे भी ज्यादा शार्प है, that it can do anything. आगे और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके छेद देता है, हर बार छेद देता है, हर बार छेद देता है। It's very strong. Now this verse is showing how strong is the word of God when He says that I will protect you. मैं तुम्हें महामारियों से बचाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से बचाऊंगा। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज लिविंग एंड इट वर्क्स, बट दिस इज द प्रॉब्लम, ये किसमें काम कर रहा है? जिसमें काम कर लेता है ना, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। एंड दोज पीपल, दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विच यू रियलाइज लेटर इन योर लाइफ व्हेन यू अडॉप्ट हिज वेज। जब आप उसके मार्गों को ग्रहण करेंगे, उन पर चलेंगे, तभी आप इसकी सामर्थ्य में सामर्थ्य को दे। आजकल जो है, जो लोग हैं, हिपोक्रेसी का जीवन जी रहे हैं। The religious people are living a hypocritic life. They say, but उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य प्रकट नहीं होती है। They are perishing because they don't understand. Please, सकरा है वो मार्ग और थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं। It is difficult to understand. और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने मन को ना लगाएं। Today, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। Turn away from your sinful life. Turn away from your evil things. And look at the God. He will change your life. The next, the powerful instrument, जो हथियार है, वो है seventh जो है प्रार्थना, prayer. इसके लिए भी मैं एक रेफरेंस दूंगा, जेम्स की पुस्तक निकाल लेंगे, जी बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 टू 16, 13 से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। द पावर ऑफ प्रेयर, बट इट विल वर्क ओनली इन दोज लाइफ हु फॉलो क्राइस्ट, हु फॉलो दैट ट्रू वे। रिमेंबर दिस, प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, विल इट ब्रिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ? Check it. Are you on the right way or not? Please read it. क्या लिखा हुआ है? तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ नहीं, James 5:30. यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है, तो वो स्तुति के भजन गाए। हाँ। यदि तुम में कोई
कोई रोगी है, यदि कोई तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वाय कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वाय जो है याकूब कहता है तुम अपने आप प्रार्थना कर लो। कभी आपने सोचा वाय? Because they have reached at that level where the power of prayer is released through them, not by everyone. This is the problem. You have to understand the word of God. परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा कि power खाली प्रार्थना करने से power नहीं आ जाती। When you walk on the ways of God, तब परमेश्वर की power आती है। That is why यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है प्राचीनों को। प्राचीन का मतलब क्या है? Mature लोगों को। Those who have reached to that maturity level, that level of understanding God, and those who are walking on the ways of God, call them, and they will pray. क्या लिखा हुआ है फिर? यदि तुम में नहीं, उनको प्राचीनों को बुलाओ, प्राचीनों को बुलाओ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। Now this is the पर ये परमेश्वर की आज्ञा है, and we have to follow it. And then what it says in 15th verse? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु the God परमेश्वर करेगा प्रार्थना किसकी? और mature level की, those who have understand, जब वो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको उठा के खड़ा करेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? और यदि ये बीमारी पाप के कारण आई है, तो लिखा है यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। नेक्स्ट, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। हू इज धर्मी? हू इज राइटियस? वी आर राइटियस थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन वी वॉक ऑन दोज वेज व्हिच गॉड हैज लेड थ्रू हिज सन क्राइस्ट। Righteous not by our deeds, but righteous by the precious blood of Jesus, by getting forgiveness of sins. अच्छा, इससे पहले क्या है? आपस में एक दूसरे के पाप मान लो और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो चंगे हो जाओगे। When you walk on your sinful life, your prayers cannot be listened. Please understand everyone. मैं हर एक मसीह से और खासतौर से कैलवरी चर्च कलीसिया के लोगों से कहना चाहता हूं, इस बात को समझें। God has forgiven our sins, we have to forgive sins of others. इसलिए आए हमारे पिता की प्रार्थना जो कि लॉर्ड्स प्रेयर कहलाती है, उसमें क्या लिखा है? जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम भी अपने कसूरों को माफ। First you have to forgive others, then your sins will be forgiven. This is the mental state. Mental state of submission. आज हम अपने पापों की क्षमा तो चाहते हैं परमेश्वर से, पर हम अपने दूसरे भाई बहनों को क्षमा नहीं करना चाहते। Now it is easy. This way is easy. सुनने में आसान लग रहा है, वो दूसरे के पापों को क्षमा, but in practical way it is very, very That is why मैं इसके साथ कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा संकरा है वो मार्ग, थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं, चौड़ा है वो मार्ग और बहुत हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़ा मार्ग इजी से है। आज क्रिश्चियंस उनकी लाइफ जानते क्या हो गई? They don't want to walk on the paths of God, but वो बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहते, मैसेजेस पास करना चाहते हैं, बट एक भी मैसेज उनके जीवन में फुलफिल होता कभी नहीं देखते कि जो इस मैसेज को मैं पास कर रहा हूं आगे, क्या मैं वो मेरे अंदर कार्य कर रहा है? वो नो डाउट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, बट आर दे वर्किंग इन अस? दैट्स द क्वेश्चन। विद दिस I am ending this sermon. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बात करी है, और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं,
अगर आप उस अनंत में प्रवेश, क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है, क्योंकि सब लोग इसे ग्रहण नहीं करेंगे, थोड़े ही लोग ग्रहण करेंगे. गॉड विल डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मींस इट विल कम ऑटोमेटिकली ऑन डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द इविल थिंग्स. देन गॉड विल टेक अप दोस स्मॉल ग्रुप, दोस हु एग्री विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ एग्री करें, उनको इसी कहते हैं रैप्चर. तब इस दुनिया के अंदर जो है न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी. दैट विल बी द एंड ऑफ द अर्थ. थिंक एंड थिंक एंड थिंक विद दिस एंडिंग दिस सर्मन. आइए हम एक गीत को गाएंगे. बहुत अच्छा गीत है कि परमेश्वर इस वचन के सुनने के बाद हमारी सहायता मदद करे. बहुत अच्छा गीत है. इसी के साथ हम आज की आराधना को प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो. क्रूस का लो निशान. साइन ऑफ द क्रॉस इज द साइन ऑफ सैक्रिफाइस. God has sacrificed His Son. Now we also have to sacrifice our sinful nature and take a decision to walk on the paths of the God. आज decision लेंगे. ये गाना आपको उत्साहित करेगा. बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही अच्छा गाना है. और इस गीत को सब जो है एक साथ मिलकर गाएंगे. With this decision that yes, I want to walk in the paths of God. Take a decision now and sing this song. With emotions, God will help you. Himmat baandho, aage badho, kroos ka lo nishaan. Jeetenge hum, yaaro haarega shaitaan. Jeetenge hum, yaaro haarega shaitaan. Himmat baandho, aage badho, kroos ka lo निशान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. हिम्मत बांधो, आशा रखो, हारेगा शैतान. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. यारो हारे का शैतान. जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान. पाप और दुख में चारों तरफ भरते हैं इंसान. पाप और दुख में चारों तरफ भरते हैं इंसान. दया करो दुनिया में कोई परेशान. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान. जीते हमने देखा है, हमने आखिरी में मैंने जीत गए. द मोमेंट दैट द थॉट कम्स इन योर माइंड दैट यस आई विल स्टैंड अगेंस्ट ऑल इवल, यू आर द विनर. यू आर द विनर. रिमेंबर दिस. आज अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि हाँ मैं खड़ा होऊंगा, मैं हर एक शैतानी बातों को परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा नष्ट करूंगा अपने जीवन से, यू आर द विनर. द प्रोसेस विल स्टार्ट इन योर लाइफ एंड यू विल बी, यू विल रिजरेक्ट. Yeah, resurrection. And the process will start. You will start killing evil things in your life, destroying evil thoughts, evil mind, and you will be restored by the power of God. With this, इसी के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करते हैं. मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को जो है दूसरों तक पास करिए. अगर आप प्रभावित हो, share it, because understand this. इसलिए कि आप चाहते हैं कि दूसरों का उद्धार हो. अगर आपने इस बात को समझा है, प्रभु आपको आशीषित करे. आपके घरों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, अपने ज्ञान से, अपने सत्य से जो है प्रफुल्लित करे, ताकि आप इस सच्चाई के द्वारा स्थिर हो सके. और YouTube में अगर आप जाते हैं, वहाँ कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च नाम से चैनल है,
आप हमसे बोलिए, उसको सब्सक्राइब कराइए और उसके अंदर बहुत से वचन हैं जो आपको स्थिर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से आजकल लोग हैं जो सुना रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात मैं दूसरों के लिए विषय में मैं किसी पर कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये जान लेता हूँ कि मैं जो कुछ भी प्रचार कर रहा हूँ सच्चाई के साथ और विद, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक बात आपको अपने जीवन में समझा है, आई नो यू डीपली एंड आई एम वॉकिंग ऑन दैट। प्लीज आप अगर आपके अंदर ये वचन घुसा है तो आप जरूर देखिएगा और वचन को जो आपको स्थिर करेंगे, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है, सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। विद दिस आई एम एंडिंग, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे अगले संडे और यूट्यूब पे आप लगातार वचन के द्वारा अपने आप को स्थिर